हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल मी 7 सीरीज़ के एक लेटेस्ट अपकमिंग स्मार्टफोन रियल मी 7 आई के बारे में। ये स्मार्टफोन 7 अक्टूबर को ऑफिशियली इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। और गाइस, रियल मी 7 सीरीज़ का ये सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी कन्फर्म स्पेसिफिकेशन को लेकर और किस प्राइस सेगमेंट में आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही लेटेस्ट टेक वीडियोज़ के लिए। सबसे पहले बात करें हम रियल मी 7 सीरीज़ के प्रीवियस स्मार्टफोन्स की, तो इसमें आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। रियल मी 7 जो कि आपको 15,000 के अराउंड देखने को मिलता है, और रियल मी 7 प्रो ये आपको 20,000 के अराउंड इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइज, जो आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है, इसकी स्पेसिफिकेशंस वाइज ये आपको बहुत ही कम प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगा। गाइज, अगर आपका बजट 15,000 के अराउंड है और आप रियल मी 7 सीरीज का ही कोई स्मार्टफोन देखना चाहते हैं तो आप इसी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। सो गाइज, बात करें इसके डिस्प्ले को लेकर, तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस की HD+ रेजोल्यूशन के साथ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। सो गाइज, इस स्मार्टफोन में कॉस्ट कटिंग को लेकर फुल HD+ का रेजोल्यूशन ना देकर HD+ का रेजोल्यूशन दिया गया है। लेकिन गाइज, इसमें आपको एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। सो गाइज, डिस्प्ले वाइज यहाँ पर आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। लेकिन गाइज, अगर हम बात करें इसके कैमरा सेटअप को लेकर, तो यहाँ पर रियलमी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी सेंसर आपको 64 मेगापिक्सल का ही देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइज, अगर हम बात करें इसी प्राइस सेगमेंट में अदर स्मार्टफोन्स की, तो वहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन यहाँ पर रियलमी ने इसको 64 मेगापिक्सल ही रखा है। इसी के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। सो गाइज, फ्रंट सेल्फी कैमरा के लिए यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का एक पंच होल सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि काफ़ी बेटर सेल्फीज को क्लिक कर पाएगा। इसी के साथ बात करें इसकी परफॉर्मेंस को लेकर, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की ओर से 662 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेटर प्रोसेसर है। और गाइज, अगर हम बात करें मैक्सिमम स्मार्टफोन्स की जो इस प्राइस सेगमेंट में आते हैं, उसमें आपको MediaTek Helio G सीरीज का कोई प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, लेकिन Realme 7 आई में स्नैपड्रैगन 662 का ही प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ 6GB 128GB की स्टोरेज कैपेसिटी के साथ ये स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी, लेकिन गाइज यहाँ पर आपको 18W का फास्ट चार्जर ही देखने को मिलने वाला है। इसकी कॉस्ट कटिंग को लेकर इसके फास्ट चार्जर को भी डिक्रीज किया गया है। तो गाइज, बैक साइड में फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ फ्रंट साइड में गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। सो गाइज, बात करें इसकी प्राइसिंग को लेकर, तो ये स्मार्टफोन आपको 12 से लेकर 13,000 तक देखने को मिल जाएगा इंडियन मार्केट में, और ये ऑफिशियली 7 अक्टूबर को इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। सो गाइज, आप हमें कमेंट करें कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा और क्या इसकी प्राइस रेंज रहनी चाहिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की किसी भी स्मार्टफोन और टेक्निकल अपडेट से जुड़ी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।